हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एज वी हैव डन रिविजन ऑफ एमसीक्यू पार्ट फ्रॉम आर टेक्स्ट बुक, नाउ वी आर गोइंग टू डू रिविजन ऑफ ग्रामर पोर्शन, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड्स माय, हीज, हर, अवर, देयर आर कॉल्ड ब्लैंक। मेरा है, उसका है, अगर कोई गर्ल का है तो हर, कोई बॉय का है तो हीज, बहुत सारे लोगों का है तो देयर, वो सब वर्डिंग्स है। अगर वो चीज़ किसकी है वो हमें दिखाना है तो जो हम यूज़ करते हैं वर्ड्स लाइक माय, हीज, हर, आवर, देयर, राइट, वो क्या है, व्हाट आर दोज वर्ड्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स वर्ब है, वर्ब तो एक्शन दिखाता है, नाउन मतलब कोई नाम है, एडवर्ब नहीं है, व्हाट आर दे, they are possessive adjectives. So answer will be A, possessive adjectives. Question number 2, blank is noun. Some things are given over here, in that we have to identify which is noun. A, table, B, go, C, come, or D, eat. Noun means name. कोई चीज़ का अगर नाम बताना है, सपोज़ कोई पर्सन का नाम हो, कोई थिंग्स का नाम हो, कोई क्लास का नाम हो, क्लास में अंदर जो चीज़ है उसका नाम हो, ऑल दोज आर नाउन। सो टेबल इज नाउन, राइट? टेबल एक नाम है थिंग का, दैट्स व्हाई टेबल इज नाउन। क्वेश्चन नंबर 3, शी वॉक्स स्विफ्टली, इन दिस सेंटेंस वॉक इज ब्लैंक, शी वॉक्स स्विफ्टली, तो वॉक क्या दिखाता है इसमें, व्हाट डज इट मीन बाय वॉक। वॉक मीन्स चलना, चलना मीन्स कोई काम हुआ, चलना मीन्स कोई एक्शन हुई, एंड विच वर्ड शोज एनी एक्शन दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो वॉक्स क्या हो गया, वर्ब। वी विल सिलेक्ट आंसर बी, वर्ब। क्वेश्चन नंबर 4, आर पैरट रिफ्यूज टू टॉक, इन दिस सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज ब्लैंक, अंडरलाइन वर्ड कौन सा किया है, अवर। अवर क्या है, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव्स। अवर मतलब हमारा पैरट, हमारा, उसका, इसका, उनका, वो सब क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। वी हैव सीन इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, माय, हीज, हर, अवर, देर आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, अंडरलाइन वर्ड है अवर, सो इट्सेल्फ इट इज पजेसिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5, आई गेव माई मैंगो टू द पैरट, फाइंड आउट द पजेसिव एडजेक्टिव फ्रॉम दिस सेंटेंस, आई गेव माई मैंगो टू द पैरट, माई विल बी पजेसिव एडजेक्टिव, सो यू कैन सेलेक्ट द आंसर सी, माई पजेसिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 6, योर आंट्स पैरट हैज एस्केप्ड ब्लैंक, सॉरी, हियर द वर्ड योर इज वॉट, मेरा, उसका, इनका, उनका, क्या है वो सब, इन दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई योर वर्ड इज वॉट, योर आंस, योर क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक इज वर्ब, ड्रिंक, टेबल, चेयर और बिस्किट्स, विच इज वर्ब, विच वर्ड शोज एक्शन, बिस्किट को एक्शन दिखाता है, नो, चेयर को एक्शन दिखाता है, नो, टेबल, नो, ड्रिंक, यस, ड्रिंक क्या है, वर्ब है, बाकी की ये सब क्या है, टेबल, चेयर, बिस्किट्स, नाउन है। सी, इफ वी आर सिलेक्टिंग वन आंसर, सपोज ड्रिंक इज वर्ब, तो हमें सोचना है कि बाकी के जो है वो क्या है, तो सो दैट आवर प्रैक्टिस विल गेट डबल, राइट? एग्जाम पे टाइम पे नहीं सोचना है, बट वाइल डूइंग रिविजन और वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू थिंक ऑन दैट, कि अगर ये ड्रिंक वर्ब है तो बाकी के 3 क्या दिए हैं मैम ने, ओके? क्वेश्चन नंबर 8, इफ थिंग्स आर काउंटेबल वी हैव टू यूज, इफ सम थिंग्स आर देयर एंड विच वी कैन काउंट, तो काउंटेबल है तो हाउ मच यूज करना है कि हाउ मैनी यूज करना है, फ्यू की एनी, हाउ मच, नो, हाउ मच विल बी रॉन्ग, वी हैव टू यूज हाउ मैनी, काउंटेबल थिंग्स इज इक्वल टू हाउ मैनी, अनकाउंटेबल मीन्स लिक्विड इज इक्वल टू हाउ मच, so we will use how many, if things are countable we have to use how many, for things like water, oil, buttermilk, juice we have to use blank, some liquid is given, name of the liquids are there, right,
and for liquid which is not countable, it is uncountable. So things which is uncountable, we will use how much. We will use how much. Question number 10. The word describe noun. The word describe noun. अगर कोई word है, कोई action word है जो noun के बारे में बताता है, suppose Cinderella is beautiful. Beautiful word क्या दिखाता है? Beautiful word किसके बारे में indicate करता है? Beautiful word indicate about Cinderella. Here the word beautiful describes Cinderella. Beautiful word किसे describe करता है? Cinderella को. So beautiful is blank. तो beautiful क्या है? अगर कोई चीज़ है जो noun को describe करती है तो वो क्या है? Adjective. क्या है? Adjective. Question number 11. Past tense of go. Go का past tense क्या होगा? Going. ये तो continue tense में use होता है. Gone. ये तो past participle है. Was going. वो क्या है? Past continuous tense में use होता है. और went. Appropriate answer. So, past tense of go is went. Go, went, gone. Take, took, taken. Make, made, made. Eat, at, eaten. Okay. तो जो second वाले सभी form है वो past tense के form है. Question number 12. With any continuous tense, we have to use verb with. अगर कोई continuous वाला tense है, suppose present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. अगर कोई tense के नाम में आता है continuous, तो verb का कौन सा form हमें use करना है? We have to use ing. Go है तो क्या कर देंगे? Going. Take तो taking. Make तो making. Okay. So with any of the continuous tense, we have to use ing. Verb with ing. Question number 13. Story always written in blank. Story always written in blank. Story always written in paragraph. Story always written in good handwriting. Yeah, but we are talking to the next level. We are talking about tense. Past tense में लिखते हैं, depend करता है, simple present tense में होती है या future tense में. Story कभी future tense में नहीं होती है. Future tense में, future में जो होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, right? Suppose एक जंगल होने वाला है, उसमें एक lion आने वाला है, ऐसे story नहीं बोलते. How we spoke the story? I already told 4 to 5 stories to you all, right? एक बहुत बड़ा जंगल था. There was a very big jungle. One lion was living in that jungle. He was king of the jungle, right? तो सब कौन सा टेंस हो गए? Past tense, obviously. So we are writing story always written in past tense. Question number 14. Was plus ing. For example, she was eating an ice cream. Identify the tense. मतलब eat का eating ing यहाँ पे दिया है तो continuous tense है. Was दिया है तो कौन सा है? I already explained. Was दिया है तो वो past tense है. So कौन सा हो गया? Past continuous tense. Answer will be D. Past continuous tense. Question number 15. The word tells more about verb. Verb के बारे में बताते हैं. I am drinking water swiftly. I am drinking water fastly. I am climbing the tree slowly. Okay. Climbing मतलब चढ़ना. वो क्या हो गया? Verb. मैं झाड़ चढ़ रही हूँ. I am climbing tree. But how? Slowly. तो चढ़ने के बारे में प्रोसेस कैसी हो रही है वो हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे. झाड़ चढ़ना मतलब स्लोली चढ़ना. तो वर्ब के बारे में बताया कि प्रीति मैम इज क्लाइंबिंग ट्री बट स्लोली. वो एक्शन के बारे में बताया कि एक्शन हो रही है मगर स्लो हो रही है. तो अगर कोई वर्ब के बारे में ज़्यादा कोई बताता है, द वर्ड टेल्स मोर अबाउट वर्ब. वट इज़ दैट? दैट इज एड वर्ब. वर्ब में हमें क्या करना है? एड कर देना है. द वर्ड टेल्स मोर अबाउट वर्ब इज एडवर्ब. Question number 16. How sweetly she sings. Use appropriate punctuation. Question mark आएगा, exclamatory आएगा, full stop आएगा कि comma आएगा. What we will use? Full stop sentence end होता है तब करते हैं.
डी छोटा सा ब्रेक लेने के लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो करते हैं, और ये क्यों करते हैं बी वाला, कुछ हमें सरप्राइज हो गया हो, किसी की हमें तारीफ करनी हो, यहाँ पे हम तारीफ कर रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स रीड अगेन, हाउ स्वीटली शी सिंग्स, येस वी आर प्रेजिंग अबाउट समवन, सो वी विल यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रैंक वॉज फिशिंग इन द स्ट्रीम इन द मॉर्निंग, विच टेंस इज दिस, फ्रैंक वॉज फिशिंग, फिश में फिशिंग आईएनजी वाला वर्ब है, ओके चलो फिशिंग दिया है मतलब वो कंटिन्यूस टेंस है, आगे क्या दिया है वॉज, तो वॉज कौन सा वर्ड हो गया पास्ट टेंस का, सो वॉज फिशिंग मीन्स इट इज past continuous tense, option में है past continuous tense, yes it is given, so we will select answer A. Question number 18, I went for shopping yesterday, which tense is the, is this, चलो verb देखते हैं पहले, went, go, went, ये तो past का है, oh my god, क्या ये past tense है, let's know more about it. I went for shopping yesterday. When I went yesterday, मैं कल गई थी, कल गई थी. So yesterday shows that it is past tense. So answer will be past simple tense. Answer will be C. 19. I blank in my book last night. I blank in my book last night. कब के बारे में बात कर रहे हैं? They are talking about last night. मतलब पास्ट टेंस हो गया वो लास्ट नाइट, मतलब यस बिकॉज नेक्स्ट नाइट के बारे में अगर बोलते होंगे तो वो क्या होता फ्यूचर टेंस, अगर अभी वो अगर रात है और अभी के बारे में बोल रहे तो मे बी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है, राइट, बट दे आर टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट तो गई, गया मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, वी टू यूज़ करते हैं, तो क्या आएगा राइटिंग, नो ये तो कंटिन्यूस टेंस में होता है आईएनजी वाला, वॉज राइटिंग ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, रिटन ये भी नहीं होता है, ये तो परफेक्ट टेंस में होता है, सो वी विल राइट डाउन रॉट, राइट रॉट, ओके आई रॉट इन माई बुक लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 20, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द फ्रिज, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द फ्रिज, तो यहाँ पे मुझे डिटरमाइनर्स जैसा कुछ दिख रहा है ऑप्शन में, राइट, सो सम एनी फ्यू और नन ऑफ दिस, चलो मिल्क है विच इज़ अनकाउंटेबल, हाउ मच तो दिया नहीं है बिकॉज हाउ मच तो स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं सेंटेंस के, स्टार्टिंग में वी आर यूजिंग हाउ मच और वी आर यूजिंग हाउ मच टू आस्क एनी क्वेश्चन, बट वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन हियर, देयर इज़ ब्लैंक मिल्क इन द फ्रिज, कितना मिल्क है ब्लैंक, अगर एनी कहाँ पर आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, फ्यू कब आएगा, काउंट कर सकते हैं बट बहुत सारा है और काउंट हमें नहीं करना है, तभी नन ऑफ दिस नहीं आएगा, तो क्या रहा एक बाकी सम, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, इफ इट इज अनकाउंटेबल, इफ इट इज अनकाउंटेबल देन वी हैव टू यूज सम, ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक वी हैव डन विथ ऑल द क्वेश्चंस एंड रिविजन ऑफ ऑल दिस, right, so you have to do all the question answer perfectly and you have to write down in your book with the appropriate answer. Our next topic revision is about what you can see on screen, story, yes, so we write down story always in which tense, all student must know that we write down story always in the past tense, right, so you can see picture over here, we can see crow is flying in the sky, once he arrived in the jungle, right, वहाँ पे एक pot दिख रहा है उसमें पानी है, अभी भी वहाँ पे crow बैठा है, फिर नीचे आ गया इसमें कुछ डाल रहा है, वो बहुत ज़्यादा डाल दिया, pebbles है वो क्या stone जैसा लग रहा है आपको, yes ये पानी तो ऊपर आ गया और again he flew away, ओके तो हमें ये स्टोरी को ये पिक्चर को कनेक्ट करना है, राइट, मैं आपको लाइक एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर स्टोरी बट यू विल हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, यू विल हैव टू राइट डाउन इन योर रफ बुक, नोटबुक अभी आपकी चेकिंग में है सो यू वोंट बी एबल टू राइट डाउन, राइट, बट आप रफ बुक में लिख सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम,
ओके स्टूडेंट्स, सो एमसीक्यू भी आपको उसमें ही लिखना है, एक कोई भी एक प्रैक्टिस बुक हो, रफ बुक हो, होमवर्क की बुक हो, उसमें लिख दो. एंड द स्टोरी ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस इन द रफ बुक. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ यू विल राइट डाउन, आपको कैसे लिखना है. डिट्टो वैसे ही नहीं लिखना है, सेम टू सेम, यू डोंट नीड टू कॉपी माई वर्ड्स. ओके, बट यू हैव टू ट्राई योर ओन. अगर सेंटेंस गलत होते हैं देन इवन इट्स ओके. ओके, बिकॉज मिस्टेक करेंगे तभी हमें आएगा. सो लेट्स बिगिन. वंस देयर वॉज अ वेरी बिग जंगल. क्रो वॉज सर्चिंग फॉर वॉटर. क्रो वॉज सर्चिंग फॉर वॉटर. एक बहुत बड़ा जंगल था, देखो सन जैसा, गर्मी होगी शायद. और क्रो को क्या कर रहा था, क्रो को बहुत प्यास लगी थी. क्रो वॉज थर्स्टी, सो ही वॉज सर्चिंग फॉर वॉटर. इन द फर्स्ट पिक्चर ही वॉज सर्चिंग फॉर वॉटर. सडनली ही सो वन बिग पॉट इन द जंगल. जंगल में क्या देखा, एक बड़ा वाला पॉट देखा. सो क्रो डायरेक्टली स्टॉप फ्लाइंग. क्रो ने क्या किया, स्टॉप, ही स्टॉप्ड फ्लाइंग एंड केम टू दैट पॉट. पॉट के पास वो आ गया. ही ट्राइड टू ड्रिंक वाटर. ही ट्राइड टू ड्रिंक वाटर वेरी हार्डली बट ही कुडंट. पास टेंस में हम लिख रहे तो कैन का क्या कर दिया, कुड. ही ट्राइड टू, ट्राई का कर दिया ट्राइड. ही ट्राइड टू ड्रिंक वाटर बट ही कुडंट. पानी पीने की कोशिश की बट ही कुडंट ड्रिंक दैट, पी नहीं पाया वो. नाउ ही वॉज थिंकिंग फॉर सम आइडिया. ही वॉज थिंकिंग फॉर सम आइडिया. कुछ आइडिया, कुछ सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ. देन ही सो सम स्टोन्स ओवर देयर. क्या देखा, स्टोन्स, पत्थर देखे थोड़े. नाउ ही केम डाउन, क्रो केम डाउन. ही पिक्ड अप वन क्रो एंड पुट इट इन द पॉट. एक पत्थर उठाया और पुट इट, और क्या किया, पुट इट वेयर, इन द पॉट. देन अगेन एंड अगेन ही वॉज कमिंग डाउन, पुटिंग अप अ स्टोन एंड पुट इट इन द वॉटर. पिकिंग वन स्टोन एंड पुटिंग इन द वॉटर. एक स्टोन लेता था पॉट में डालता था, एक स्टोन लेता था पॉट में डालता था. स्लोली स्लोली द पॉट बिकेम फुल ऑफ स्टोन. स्लोली स्लोली ऑल द स्टोन्स गॉन इन साइड द वॉटर, गॉन इन साइड द पॉट. धीरे धीरे करके सभी पत्थर पॉट में चले गए. आप अगर घर पे एक बार ट्राई करना है तो कर सकते हो. एक छोटा सा ग्लास लेना, ग्लास में हाफ ग्लास ऑफ वाटर आपको फील करना है. यू डोंट हैव टू फील द फुल ग्लास ऑफ वाटर. यू हैव टू फील हाफ ग्लास ऑफ वाटर, देन पुट सम स्टोन इन दैट. आपको उसमें थोड़े पत्थर डालने हैं. पानी स्लोली स्लोली क्या होगा, ऊपर आ जाएगा. वाटर विल कम अपसाइड. सो जैसे ही ये स्टोन्स अंदर गए, पानी ऊपर आ गया. क्रो ने वाटर ड्रिंक कर लिया एंड ही फ्लू अवे अगेन इन द स्काई. और वापस वो उड़ के जंगल में चला गया. ओके, सो यू विल राइट डाउन स्टोरी इन योर बुक अंडर द हेडिंग. व्हाट विल बी द हेडिंग, हेडिंग विल बी द थर्स्टी क्रो. द थर्स्टी क्रो, साथ में आपको थर्स्टी का स्पेलिंग भी आना चाहिए, क्रो का स्पेलिंग भी आना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन स्टोरी वाइल टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स. आई विल चेक योर नोटबुक्स वेदर यू हैव राइट डाउन और नोट. ओके, और ये आपको एग्जाम में भी आ सकती है. सो आपको ये लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.